न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। पहले बात करेंगे पानसेमल की, जहां पानसेमल विकासखंड सहित जिले में भोंगरिया हाट शुरू किया गया। ग्राम मोयदा एवं जलगोन में भोंगरिया का मेला लगा हुआ है। मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा आदिवासी समाजजनों द्वारा नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। भोंगरिया पर्व की व्यवस्था के लिए पानसेमल तहसीलदार राकेश सस्तिया, जनपद पंचायत सीईओ वीएस मुजालदा, पानसेमल थाना प्रभारी लाखन सिंह बघेल, जनपद पंचायत के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रवि पाटीदार सहित अन्य कर्मचारी एवं पुलिस प्रशासन के कर्मचारी उपस्थित रहे। मौजूद है ग्राम मोयदा में, पानसेमल विकासखंड में ग्राम मोयदा एवं जलगोन से आज भगोरिया पर्व का आगाज हो रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जनजातीय समाजजनों की तीन टीमें नृत्य की प्रस्तुति दे रही है। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। मैं पानसेमल से सतीश केवट। शिवेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग का ये आयोजन है। ये योजना बनाई गई है भील जनजाति बहुल्य जिलों में हर साल भगोरिया पर्व के अवसर में करने के लिए, जिसमें भील जनजाति नृत्य दलों के साथ ही मध्य प्रदेश के गोंड, कोरकू, बैगा और भारिया जनजाति नृत्य दल भी आए हैं। टोटल 150 कलाकार आए हैं इस बार बड़वानी जिले में। 15-15 के ग्रुप हैं, 10 ग्रुप हैं, जो तीन तीन ग्रुप अलग अलग भगोरिया हाटों में डेली जाएंगे। लगभग 2 भगोरिया हाट एक दल कवर करेगा। तो ये योजना 2018 से चालू की गई थी, झाबुआ और अलीराजपुर में हो चुका है। 2 साल कोविड की वजह से नहीं हो पाया है आयोजन, तो कोविड के बाद ये आयोजन बड़वानी में हुआ है और ये 7 दिनों तक चलेगा, 11 से 17 मार्च तक। जो भी यहाँ के प्रमुख भगोरिया हाट हैं उनमें ये प्रस्तुतियाँ डेली होंगी। धन्यवाद। दूसरी खबर सेंधवा से है, जहां बीते 5 मार्च को सेंधवा में जोगवाड़ा रोड पर हुए गोलीकांड में 3 लोग फरार थे, जिसमें आज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, सेंधवा के जोगवाड़ा रोड के निवासी सिकंदर अली पर जानलेवा हमला किया था, गोली से वार किया था, जिसके बाद पुलिस 3 आरोपियों को तलाश कर रही थी और आज पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, तीनों लोग जोगवाड़ा रोड के ही निवासी हैं, जिसमें से पुलिस ने शाबाज, रऊफ और फखरू को गिरफ्तार कर लिया है। कहां से पकड़े गए? हमारे थाना सेंधवा शहर में 5 तारीख की शाम को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि कुछ लोगों ने आपसी झगड़े में एक सामने वाले व्यक्ति पर आत्मघाती हमला किया था, फायरिंग की थी, और घटना घटित करने के बाद से ही ये जो आरोपी थे ये फरार हो गए थे। घटना चूंकि अत्यंत गंभीर थी, इनकी गिरफ्तारी के लिए तब से ही हमारी टीम और साइबर शाखा लगातार प्रयासरत थी। इनकी गिरफ्तारी के लिए हमने 2500 रुपये का नगद पुरस्कार भी हर आरोपी पर उद्घोषित किया था और इनको आज हमारी टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तीनों आरोपी जो इसमें थे वो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तीनों के ही पहले के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जो इसमें मुख्य आरोपी है शाहबाज, इसके खिलाफ धारा 302 और धारा 307 जैसे गंभीर अपराध भी हैं। अन्य जो 2 आरोपी हैं फखरू और रऊफ, इनके खिलाफ भी पहले के अपराध हैं, तो इनके पूर्व रिकॉर्ड्स के आधार पर भी अभी पुलिस इन पे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सर, विवाद का कोई कारण? विवाद का कारण, ये एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे, इनके बीच पहले भी लगातार विवाद होते रहते थे, तो संभवतः उस दिन आवेश में आके शाहबाज, जैसा मैंने कहा पहले का भी आपराधिक रिकॉर्ड है या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उसने आवेश में आके इस पर जानलेवा हमला किया।